महादेव के तीन राक्षस पुत्र जिनसे डरते थे स्वयं त्रिदेव, और कैसे हुआ था इन महादेव के तीन राक्षस पुत्रों का जन्म। दोस्तों, वैसे तो अगर माता पार्वती और महादेव के पुत्रों की जब बात आती है तो उसमें अधिकतर ज्यादा लोगों का यही जवाब होता है कि उनके दो पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान महादेव के इन दो पुत्रों के अलावा उनके तीन राक्षस पुत्र भी थे। इस बात का उल्लेख हमें शिव पुराण में भी मिलता है। इस पुराण में भगवान शिव के इन तीन राक्षस पुत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आखिर कैसे भगवान शिव के इन तीन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और आगे चलकर उनका क्या हुआ, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए जानते हैं महादेव के तीन राक्षस पुत्रों के बारे में। भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली राक्षस पुत्र अंधक। अंधक की कहानी बड़ी ही रोचक और सोच में डालने वाली है। कहानी इस प्रकार है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां पर भगवान शिव अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए थे। इस दौरान माता पार्वती ने पीछे से भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधकार छा गया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे पूरे संसार में रोशनी हो गई। लेकिन माता पार्वती और भगवान शिव को उसकी गर्मी से पसीना आने लगा। जो आंखें बंद करते समय अंधकार छा गया था, उस अंधकार में जन्म हुआ था अंधकासुर, यानी कि अंधक का, जिसका रूप बड़ा ही भयानक था। उस बालक को देखकर माता पार्वती डर गई। फिर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि यह उनका ही पुत्र है। इसका जन्म उस गहन अंधकार से हुआ है जो आंखें बंद करते समय पूरे संसार में हो गया था, और अंधकार में उत्पन्न होने के कारण उसका नाम अंधक रखा गया। वहीं दूसरी तरफ दैत्यराज हिरणाक्ष पुत्र कामना के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। हिरणाक्ष ने भगवान शिव से वरदान में पुत्र मांगा, तो भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र के रूप में दे दिया। अंधक असुरों के बीच में ही पला बड़ा और असुरों का राजा बना। अंधक ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु तभी हो जब वह काम वासना से अपनी ही माँ की तरफ देखेगा। जलंधर को मालूम था कि अगर संसार में कोई सबसे शक्तिशाली है तो वह है महादेव। जलंधर ने खुद को सबसे शक्तिशाली घोषित करने के लिए पहले ही इंद्र को परास्त कर दिया था और उसके बाद त्रिलोकपति बन गया। उसके बाद जलंधर ने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। विष्णु जी को परास्त करके जलंधर ने लक्ष्मी जी को विष्णु जी से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते ही उसने वैकुंठ लोक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने कहा, हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वह वैकुंठ लोक से वापस चला गया। इसके बाद उसने जाकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अपने सभी राक्षसों को इकट्ठा करके कैलाश पर्वत पर जाकर देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का प्रयास करने लगा। इसके बाद माता पार्वती क्रोधित हो गई। उसके बाद महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा, लेकिन वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण महादेव का हर एक प्रहार जलंधर पर असफल हो रहा था। अंत में देवताओं ने योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का रूप रखकर वृंदा के सामने पहुंच गए, जिससे वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके साथ पति जैसा व्यवहार करने लगी, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत टूट गया। फिर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का सर काट दिया और उसका वध कर दिया, और इस तरह से भगवान शिव के हाथों से ही
उनके दूसरे शक्तिशाली पुत्र जालंधर का वध हुआ। अब बात करते हैं भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली अत्यंत पराक्रमी राक्षस पुत्र की। वह कोई और नहीं बल्कि सुकेश था। सुकेश का वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों के अनुसार जब राक्षसों की उत्पत्ति हुई तब दो राक्षस भाई उत्पन्न हुए जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। हर प्रिय धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया। फिर दूसरे राक्षस हैती ने काल की बहन हया से विवाह कर लिया। दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत कैश रखा गया। जब विद्युत कैश बड़ा हुआ तो उसका विवाह गंधर्वी संध्या की पुत्री सालकंठा से करवा दिया गया, जिसने थोड़े दिनों बाद गर्भ धारण किया और फिर उसने एक बालक को जन्म दिया। साथ ही वह वहीं अपने बालक को भूलकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने और विहार करने में इतनी व्यस्त हो गई और अपने बालक को भी भूल बैठी। वही भगवान शिव और माता पार्वती विहार करने आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे, तब उन्होंने एक बालक के रोने की आवाज सुनी। तब वो दोनों लोग उस बालक के पास पहुँचे। बालक को रोता हुआ देख उन्होंने बालक को उठा लिया और उसे अपने पुत्र के समान ही प्यार दिया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि सुकेश था, जिसका नामकरण किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती और महादेव ने किया था। वहीं पुराणों के अनुसार सुकेश माता पार्वती और महादेव का पुत्र नहीं, परंतु दोनों लोगों ने उसे अपने पुत्र के समान ही प्रेम किया था। वहीं बाद में सुकेश का विवाह रेवती के साथ हुआ और उनके तीन पुत्र हुए जिन्हें माल्यवन सुमाली माली के नाम से जाना गया। कहते हैं माल्यवन सुमाली माली तीन दैत्य द्वारा त्रिकुट पर्वत पर लंका बनाई गई थी। वही माल्यवान माली का वध देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु के द्वारा हुआ था। उस समय सुमाली लंका छोड़कर भाग गया। तब देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था, लेकिन सुमाली बच गया था। सुमाली रावण के नाना थे। दोस्तों, यह थी भगवान शिव के तीन राक्षस पुत्रों की कहानी। यह तीनों ही बेहद शक्तिशाली थे, क्योंकि नियति द्वारा जलंधर सुकेश और अंधक का शक्तिशाली होना निहित था। वह भगवान शिव के पुत्र कहलाते थे, परंतु वह भगवान शिव के पुत्र होने के बावजूद भी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाए थे।